कटिहार जिला के प्राणपुर प्रखंड क्षेत्र में एनआरसी और सीएबी बिल जो धर्म के आधार पर लागू किया गया है उसके खिलाफ प्रदर्शन जारी है। अनंत सैन शांति चाहते हैं कि हिंदुस्तान में भाईचारा चाहते हैं। अभी जो ये सरकार है हिंदुस्तान के जो मूल निवासी है SC ST OBC अल्पसंख्यक जो भी है उनके साथ संविधान का जो मूल प्रस्तावना है कि भारत जो है सामाजिक न्याय चाहने वाला देश है, भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये भारत का प्रस्तावना है, मूल प्रस्तावना है। और इसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है जिसको हम भारत की जनता खासकर प्रांत की जनता हर किस बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सभी लोग जो है इस संविधान के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है और जो नागरिकता संशोधन विधेयक आया है जिसके तहत जो है भारत में अशांति फैलाने का जो नाजायज कोशिश किया गया है, हम लोग इसका बहिष्कार करते हैं और स्कीम का जो है हम लोग अपना जो है प्रोटेस्ट अपना विरोध जो है जारी रखेंगे। तब तक जारी रखेंगे जब तक ये NRC और कैब कानून को वापस नहीं ले लेती है सरकार सरकार को बात कर देंगे जो है और जो है NRC कानून है। मैं कह रहा हूँ कि आसाम में जो है कुछ लोग ये भ्रम फैला रहा है कि मुस्लिम के खिलाफ है, ये हिंदू मुस्लिम सभी के खिलाफ है। आप समझिए NRC के तहत जो आसाम में जो NRC से बाहर हुआ डिटेंशन सेंटरों में रखा गया है उसमें क्या हिंदू नहीं है, उसमें खाली मुस्लिम है, उसमें दलित नहीं है, उसमें आदिवासी नहीं है, उसमें सिख नहीं है। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहा ये सरकार जो है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जो सरकार का जो मूल मकसद होता है कि सभी का विकास करे, सामाजिक विकास करे, बेरोजगारों को रोजगार दे, महंगाई पर नियंत्रण रखे और जो है लोगों की आमदनी बढ़ाए, लोगों को जो है भोजन का व्यवस्था करे, इन सभी नाकामियों से सरकार जो है पिछड़ गया है। भारत का विकास दर जो है 4.5% आ गया है। इस सब को छुपाने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपना रहा है। हम भारत की भोली भाली जनता, शांति प्रिय जनता, उसको कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं लागू देंगे। हम तमाम इस प्रोटेस्ट के माध्यम से NRC और कैब कानून का जो विरोध करते हैं। दिलीप विश्वास भैया जिधर कहीं भी हो आप यहाँ पर आने का कष्ट करें, आज दिलीप विश्वास भैया आप जहाँ कहीं भी हो यहाँ पर आने का कष्ट करें। हम लोग आप तमाम लोगों से मुश्किल से आधा घंटा लेंगे, दो दो मिनट का समय या कुछ वक्ता लोग, उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर जो है इस कानून को जो पास कराने में हम लोग भूमिका प्रधानमंत्री और गृह मंत्री किए हैं उसका हम लोग विरोध के साथ जो है उतरा दहन करेंगे। उसके बाद जो है ये आज का रैली जो है समाप्त होगा। मैं दिलीप भैया से राय से दो मिनट संबोधन करें। हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपनी एकता दिखाने के लिए। ये हिंदुस्तान हमारा देश है और ये संविधान हम सब के लिए बना है, ना इसमें कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। मैं सभी से कहना चाहूँगी ये NRC बिल या कैब जो RSS और भाजपा की सरकार ने पारित करने का काम किया है, ये एक षड्यंत्र है पहले संविधान को तोड़ने के लिए, उसके बाद जातिगत भावना से ग्रसित होकर के सभी लोगों को परेशान करने के लिए। ये नहीं कहते हैं, कुछ लोग भ्रम की स्थिति बना रहे हैं कि सिर्फ एक कम्युनिटीज को टारगेट किया गया है। नहीं भाई, ये सिर्फ एक कम्युनिटीज को टारगेट नहीं किया गया है, ये संविधान को टारगेट किया गया है। और संविधान को अगर कोई तोड़ता है तो हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं रह सकता।
ये हम रहे, आप रहे, कोई भी रहे, मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, ये देश हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ, गंगा जमनी तहजीब के साथ हम लोग यहाँ पर रहते हैं और रहते आएंगे। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह कुछ भी कर ले, कोई कानून बना ले, हम इसको नहीं मानेंगे। हमारा ये घर है, हमारा ये हक है, हम इसको कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये संविधान हमको हमारा हक दिया है। संविधान ने मुझे वो हक दिया है कि हम हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ, एक जगह, एक समाज में, एक घर में निवास करने का काम करते हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी भाइयों से, हिंदू भाइयों से, हमारे यहाँ पे दिलीप राय जी हैं, दिलीप विश्वास जी हैं, हमारे उत्तम पासवान जी हैं, ऐसा नहीं है, जवाहर मंडल जी हैं, सुभाष जी हैं, प्रमोद जी हैं, प्रहलाद गुप्ता जी हैं, टिंकू जी हैं, लड्डू सिंह जी हैं, ऐसा नहीं है। ये देश हमें सिखाया है एक साथ गंगा जमनी तहजीब के साथ रहो और भाईचारे के साथ रहो, इसी का परिणाम है। बाबरी मस्जिद पे न्यायपालिका ने उनके फेवर में ये किया, फैसला दिया, हमने स्वागत किया, हमको कोई गिला नहीं। अगर संविधान और न्यायपालिका कहते हैं कि उनको दे दो भाई, हम भाईचारे में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम बापू को पैगाम को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, हम गोश्त से के मानने वाले लोग नहीं हैं, हम आरएसएस के मानने लोग नहीं हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। मैं आप सभी से कहूंगी, इस विरोध की आंधी को हम लोग जिले में भी लेके जाएंगे। हम लोगों ने आज बैठक की है, 22 तारीख को कटिहार में हम लोग को इकट्ठा होना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाइयों को, कि संविधान को जो तोड़ने का काम करेगा दिन के 10 बजे, संविधान को जो भी तोड़ने की साजिश करेगी, उस साजिश को हम नाकाम करने का काम करेंगे और जवाब देने का काम करेंगे, नहीं मानेंगे। हम माँ बहनों को भी, हम औरत हैं, इशरत परवीन आपकी बहन है, जाकिर हुसैन आपका भाई है, उत्तम जी, लड्डू जी, दिलीप राय जी, सुभाष जी, जवाहर मंडल जी, टिंकू जी, हम सब भाई हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। मैं आज सभी से कहूँगी पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और मैं आग्रह करूँगी दिलीप विश्वास जी को कि संविधान को तोड़